कांडा तहसील के अंतर्गत ग्राम भाटगाड़ के ग्रामीणों ने गांव में ही सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोलने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि मुफ्त राशन घर तक लाने के लिए उन्हें 500 से 1000 रुपए तक की राशि खर्च करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि भाटगाड़ गांव में 26 परिवार निवास करते हैं, जो कि 12 किलोमीटर दूर जाकर पाली बग्याली गांव से राशन लाने को मजबूर हैं। ऐसे में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाँव में ही सस्ते गल्ले की दुकान खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाम प्रेमगिरी, मैं भाटगाड़ का स्थायी निवासी हूँ। हमें राशन की दिक्कत है, हमें राशन लेने के लिए बग्याली पोखर जाना पड़ता है। बग्याली पोखर कितनी दूर है? वो 10 किलोमीटर दूर है। भाड़ा लगता होगा? भाड़ा 600 रुपया भाड़ा लगता है, फिर यहाँ रोड में आता है, फिर वहाँ से भी ढुलान के लिए हमको आदमी लगाना पड़ता है। तो क्या मांग है? तो मेरी हमारी मांग ये है, हम 26 परिवार गाँव में निवास करते हैं और हमको राशन यहीं दिया जाए। ग्राम भाटगाड़ में रोड की व्यवस्था है, लेकिन गांव से काफ़ी दूर है। उसके लिए हमको जैसे आजकल सरकार ने फैसिलिटी दे रखी है मुफ्त राशन, और जो भी है पेमेंट पे भी राशन मिलता है, लेकिन उसके लिए हमको कम से कम 9 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उसके लिए वाहन की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसमें कम से कम 500 रुपये किराया लगता है हमारा, 500 से 600 रुपये। अभी पोखरी कम से कम पाली बग्याली करके गाँव है एक पोखरी में, दूसरी ग्राम सभा है वो। हमारी मांग यह है कि हमारे निकटस्थ ग्राम भाटगाड़ के अंदर कोई ऐसी जगह हो जहाँ से कि हम अपने सर पर राशन लाद के अपने परिवार का भरपोट कर सके। प्रमुख समस्या है सर, जो आजकल खाद्यान्न सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से सस्ते गल्ले की दुकान की है सर। सस्ते गल्ले की दुकान हमारे गांव से करीब 9 किलोमीटर रोड से, वो भी रोड एंड में, रोड से रोड 9 किलोमीटर है। वहाँ से हमें अपने गाँव में जाना पड़ता है नीचे, और वहाँ विजयपुर पोखरी से नीचे पाली बग्याली के साथ हमारा वो सस्ता गला संबद्ध है। वहाँ जाके भी हमें 10 बातें सुननी पड़ती है, कभी मिलता है कभी समय पर हमें सूचना नहीं मिल पाती, हमारा राशन जब से हो जाता है। हाँ, मैं बसंतनाथ गोस्वामी, ग्राम भाटगाड़। हमारे गांव में राशन संबंधी बड़ी किल्लत है, जिसके लिए हमारे गांव वालों को गांव से 9 किलोमीटर आगे गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है, और वो भी रोड बंद होगी तो कंधे में डोल के लाना पड़ रहा है। इसमें अंत्योदय वाले भी हैं, गरीबी रेखा वाले भी हैं और सामान्य वाले भी हैं, सभी लोगों को इस राशन फ्री है तो लाने के लिए हमको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। हमारी मांग ये है कि हमारे गांव में निकटतम जगह कहीं दुकान खोल दी जाए। न्यूज के लिए कांडा से पंकज दशीला की रिपोर्ट।